Hello everyone, welcome to the viewers. Today we are going to solve some most important MCQs on the basic knowledge of computer sciences, which will be very helpful for any competitive exam. MCQ is a collection of raw facts and figures is called collection of raw facts and figures. Kya kehlata hai? Wo kehlata hai data. The processed data is called what? Processed kiya hua data ke paas kya ban jati hai? Information ban jati hai. डेटा प्रोसेसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग और क्या कहलाती है दैट इज कॉल्ड कंप्यूटिंग ऑल्सो वट इज़ द कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है इट इज़ ए मशीन इट कैन बी प्रोग्राम्ड और इट स्टोर्स एंड प्रोसेस डेटा और ऑल ऑफ दिस तो एक कंप्यूटर में जो अब तीन खसूसियात बयान की गई हैं कंप्यूटर की वो सब तमाम मौजूद होती हैं तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस इट इज़ ए मशीन इट कैन बी प्रोग्राम थ्रू कोडिंग और प्रोग्रामिंग इट स्टोर्स एंड प्रोसेस डेटा ऑल्सो स्टोर करता है हमारे डेटा को और प्रोसेस करता है मीन एनी कैलकुलेशन और एनी प्रोसेस वी मेक It perform the same process. So the correct answer is all of these. Which of the following is the system software? System software कौन सा है इन तमाम MCQs में से और MCQ के ऑप्शन में से तो बेसिकली मेरे पास सॉफ्टवेयर की दो से मल्टीपल टाइप्स होती हैं जिसमें दो मेन टाइप्स ये हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का यहाँ जिक्र किया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है वेदर वो विंडोज़ हो या लिनक्स हो या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है चाहे वो एम एस सी कोई एप्लीकेशन हो कोई ब्राउजिंग की एप्लीकेशन हो कोई आपके पास ग्राफिक की एप्लीकेशन हो वो तमाम एप्लीकेशन जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती हैं तो यहाँ हमें जो दिया गया है इसमें ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर तो इन तमाम में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है ऑप्शन ए इज़ एम एस वर्ड जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ऑप्शन बी इज एम एस एक्सेल विच इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑप्शन सी इज़ एम एस पावर पॉइंट विच इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो डी जो है वो विंडोज़ है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है ऑल ऑफ दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट ये तमाम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं सिवाय किसके विंडोज़ क्योंकि एम एस वर्ड एम एस एक्सेल एम एस पावर पॉइंट जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और विंडोज़ जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर गिव्स द हाईएस्ट प्रिंटिंग रेजोल्यूशन इन तमाम में से कौन सा प्रिंटर जो है वो हाईएस्ट प्रिंटिंग रेजोल्यूशन देगा वो देगा थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर और नेक्स्ट टाइम सीक्यू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट थ्री यूनिट्स नेमली सीपीयू जो है मेनली कंसिस्ट करता है तीन यूनिट्स पे वो कौन से हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU कंट्रोल यूनिट CU मेमोरी यूनिट MU सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी पार्टीशन दैट कैन बी क्रिएटेड ऑन ए डिस्क एक डिस्क पे मैक्सिमम कितने पार्टीशन किए जा सकते हैं तो इसका राइट आंसर है 4 ऑप्शन MCQ 10 इज विंडोज एक्सप्लोरर क्यों यूज़ किया जाता है तो करेक्ट आंसर इज डी नेविगेट द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर फाइल्स को और फोल्डर्स को नेविगेट करने के लिए सभी कंप्यूटर में मौजूद हैं MCQ 11 is which of the following contain the files and folders that are deleted from the hard disk? आप जो अपने कंप्यूटर में से डिलीट कर देते हैं हार्ड डिस्क से रिमूव कर देते हैं चीज़ें वो कहाँ मौजूद होती हैं वो तमाम डिलीटेड आइटम्स मौजूद होते हैं रिसाइकल बिन में MCQ 12 is which of the following tool of MS Word is used to rotate the text? MS Word का कौन सा टूल जो है वो रोटेट करने के लिए यूज होता है टेक्स्ट को तो द करेक्ट आंसर इज वर्ड आर्ट MCQ 13 is which of the following is a word processor? इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है विच इज़ एम एस वर्ड MCQ 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू चेंज द केस शिफ्ट प्लस F3 इज यूज टू चेंज द केस F3 इज ए फंक्शनल की MCQ 15 इज इन MS Word द डेटा दैट इज बींग कॉपीड और मूव्ड इज MS Word में हम जब कोई डेटा कॉपी कर रहे होते हैं या मूव कर रहे होते हैं या कट कर रहे होते हैं तो वो डेटा टेम्प्रली स्टोर हो जाता है आपके क्लिपबोर्ड में जो आप कहीं फर्दर जो है वो पेज कर सकते हैं ये आज के हमारे तमाम 15 MCQs थे इंशाल्लाह वी विल कवर मोर MCQs इन नेक्स्ट वीडियोज़ थैंक यू